तो इतने भारी भरकम वोट आउट के बाद में जहाँ पे सर्वाइवल टास्क होने वाला है, बहुत कुछ इमोशनल मेरे लिए था आज का दिन, तो हम वापस कैंप साइट जाते हैं। तूने जो मेरे लिए किया ना आज, तूने ये समझा ना कि ये शो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ प्रॉमिस नहीं करूँगा लाइफ में, बट आई विल टेल यू वन थिंग, नॉट ऑन द शो, यहाँ से निकलने के बाद भी वेन एवर यू नीड समवन इन योर लाइफ, प्लस मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। कहीं ना कहीं दिमाग में ये स्ट्रेस था कि यार कैसे भी करके वापस गेम में कम बैक तो करना है। पर मैं एक चीज सोच रहा था, अगर मैं आज जाता ना, मैं पता नहीं कितनों की मार के जाता। तो सर समझाते हैं कि गेम में एक्चुअली स्मार्ट प्ले या मास्टरमाइंड ऋषभ बनने की कोशिश कर रहा है, उस चीज को तोड़ना जरूरी है, उस चीज को कैमरे पे लाना बहुत जरूरी है। सर बहुत मैनिपुलेटिव है, नहीं नहीं हमें आइडिया नहीं, हमें कितना मैनिपुलेटिव करने की मैनिपुलेट करने की कोशिश की है वो, ये बात हो गई यहां तो। ऋषभ जो था वो चाहता था कि श्वेत को आउट कर दे, लेकिन मेरा था कि मैं प्रिंस भाई की टीम को सपोर्ट करूं। तो सोलांग वैली का सफर यही खत्म होता है, काफी अप्स एंड डाउन्स थे, और अभी शिवी के लिए तो काफ़ी डर है, और आई होप कल का डे शिवी के लिए बहुत ही लकी हो और शिवी बचे और हमारे साथ वो जर्नी कंटिन्यू करे। तो इसी के साथ हम सब निकल जाते हैं अपने अगली डेस्टिनेशन के लिए। कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर था, शिवेद, भूमिका और आकृति इनमें से कोई एक ही हमारे साथ जर्नी कंटिन्यू करने वाले थे। आई वॉज जस्ट प्रेइंग कि वो शिवी हो, तो बस उस जर्नी को एंजॉय कर ही रहे थे। थोड़ी दूर पहुंच के हमें दिखता है रोडीज का बोर्ड। इज दिस एलिमिनेशन, उनका सर्वाइवल टास्क होने वाला है, कुछ नहीं पता। कैसा लग रहा बॉस? मौसम देखो आपके लिए क्या कुछ, हमने पहाड़ नदियां सब कुछ भाई, क्या लोकेशन है यार। देखो ये तीन रोडीज कल वोट आउट हुए थे, उनका तो सीधा सिसु जाना नहीं बनता था, फिर देखते हैं कि कौन सा रोडी है जो सिसु एक्चुअली जाने वाला है। तीनों में से सिर्फ एक रोडी जो है वो सिसु पहुंचेगा। जो आज तीन लोग टास्क परफॉर्म करने वाले हैं, उनके लिए बड़ा जरूरी है आज ऐसे तीन लोगों को चुनना जो आप लोगों की किस्मत डिसाइड करें। जो रोडीज, ध्यान से सुनो, ऊपर एक पेशियर है जो मेल्ट होकर आता है और आगे चेनाब बनती है। चेनाब का तो नाम सुना है ना सबने? यस सर। सो आज का जो टास्क है वो भी कुछ ऐसे ही है। आप तीनों रोडीज, एक डिब्बा है कॉफिन जैसा, उसमें आप तीनों लेटे होंगे। उस कॉफिन के आगे एक रास्ता बनाया गया जो बात मारा जाता है उस नदी तक। जो आपके दो दुश्मन है उनके पैरों में घुंघरू बांधे होंगे, वो वहां से नदी से पानी लेकर आएंगे और हॉप करते करते आपकी तरफ बढ़ेंगे। तेरे लेफ्ट में दोनों जा रहे हैं, लेफ्ट से कहिए। उस कॉफिन में पानी डालने के लिए जो वो नदी से लेकर आएंगे, ठंडा पानी है इस समय, बहुत ठंडा पानी। लेकिन जो आपका दोस्त है वो उन्हें रोकेगा, लेकिन दोस्त की आंखों पर पट्टी बंधी होगी। आज के टास्क का नाम है पानी फुल डब्बा गुल। सो शिवेत, आकृति और भूमिका, चलिए आप अपने कंफर्टेबल बेड के अंदर पहुंच सकते हो। हाथ खोल के रख, हाथ खोल के रख हिमांशु। जैसे ही मैंने अपना हाथ पानी में डाला तो बाकियों की छोड़ो, मेरी ये वो पानी ठंडा ही नहीं, बहुत ही ज्यादा ठंडा था। तेरे 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 लेफ्ट में जा रहा है, दोनों जा रहे हैं, लेफ्ट से कहिए, दोनों लेफ्ट के पीछे आ, पीछे। पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रही है बहन, उसने सीधे मेरे मुंह पे डाला है पानी। उसने पानी मेरे ऊपर ऐसे डाला जैसे कोई भैंस के ऊपर पानी नहीं डालता है। अरे भाई ये भाग रहा है, भाग नहीं सकता तू, तेरे को समझ नहीं आया? फोन कर रहे हैं बाकी सारे। तेरे राइट में, तेरे लेफ्ट में, तेरे रहा, पकड़ ले इसको, पकड़ ले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके पास बाल्टी नहीं है, छोड़ दे उसको, छोड़ दे, छोड़ दे। ऋषभ ने मेरे को पकड़ा और बाल्टी खाली हो रही थी, वो उसके बावजूद भी वो ग्रिप बना के रख ही रहा था, मतलब वो छोड़ नहीं रहा था। सचिन भी चल रहा है, देखो सचिन, आपके वो कैंसिल होगी पार्टी अगर आप जंप नहीं करते। भाग चुका भाई, तीन बार भाग चुका, तीन बार भाग चुके हैं भाई ये। सर जंप करके तो तीन बार भागा तू, लास्ट चांसेस जंप करके आ रहा हूं सर। प्रिंस भाई लास्ट तीन टाइम जंप करके, तीन बार बाल्टियां डाल चुका ये, अगली बार बाल्टी को लात मार दूं मैं। सही खेलना यार। आशु आया तेरे राइट में, और ये पकड़ ले इसको, पकड़ ले इसको।
आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जब भी मैं पीयू को पकड़ रहा था तो वो कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली अटैक करने की कोशिश कर रही थी। मैम, मैम, ऋषभ क्या हुआ? मेरे को नाक पे हिट हुआ है मैम। नाक पे लगी है, क्या हुआ है? एक मिनट, पॉज पॉज पॉज। गाइस गाइस, फर्स्ट टेक फर्स्ट टेक। तुमने अपना सर हमारे मुंह पे मारा है। ऋषभ उस छोटी सी बात का इतना बड़ा मुद्दा बना देते हैं, और अगर 6 फुट का आदमी क्राई बेबी बन सकता है ना, तो ये शो जीतने के लायक नहीं है। ब्लड नहीं है। प्राक्रम दोनों साइड से आ रहे हैं, दोनों साइड से। लेफ्ट में जा, लेफ्ट में जा, लेफ्ट में जा, पकड़ ले इसको, हाँ पकड़ ले इसको। प्राक्रम ने आशिका को भी पटक दिया। आगे जा, आगे जा, आगे जा। ये नहीं है, 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 इसको मत पकड़। अरे ये मंचू है। अरे नहीं नहीं, अब तुम दोनों था ना, फ्रस्ट्रेट हो गई थी ऋषभ की ग्रिप से। मतलब एक बार ही पकड़ लिया तो गिर गया पानी, तो उस ग्रिप को इतना स्ट्रॉन्ग रखने की जरूरत क्या है? आ रहे वो पानी भर के। 74 है तेरा टेंपरेचर, वरना टोपी। ठीक है, थोड़ा सा शोल्डर उठा के रख, सर उठा के रख। सो गाइस, लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। उछल के आओ, दोनों साइड से आ रहे हैं। लेफ्ट से बाशु आया, लेफ्ट से बाशु, पकड़ ले। हाँ बाशु, छोड़ दे अब इसको। हो गया, गिर गया, गिर गया, बस बस बस। छोड़ दे उसको, छोड़ दे। अरे क्या कर रही है, छोड़ दे यार। यार ये क्या कर रहे, गले मारो उनको, बताओ यार। हाथ धोगी पीहू ने। हिटिंग ऑन माय नेक, लास्ट 20 सेकंड्स। पीछे पीछे, 3, 2, 1. बहुत सारा कंफ्यूजन था कि कौन अंदर जाएगा यार, क्योंकि तीनों को तो अंदर नहीं भेज सकते थे हम। जैसे ही टास्क खत्म होता है, हमारी हालत बहुत टाइट हो चुकी है और हमें लिटरली ब्लैंकेट लेकर खड़ा होना पड़ा। सरोडीस, सबने बढ़िया किया, दुश्मनों ने भी बहुत बढ़िया काम किया, दोस्तों ने भी अच्छा काम किया, लेकिन हमारे जो तीन रोडीज हैं, ग्लैडिएटर टाइप आप तीनों परफॉर्म कर रहे थे, शिवर कर रहे थे आप, कांप रहे थे, जान निकली पड़ी थी अंदर, पर गिव अप कोई नहीं कर रहा था। तो आई थिंक वो एक रोडीज की सबसे बड़ी एक खासियत होती है कि बॉस छोड़ूंगा नहीं। लेकिन आप में से जो एक जना हमारे साथ सिसु जाने वाला है, वो बाकी दो को भी लेके जाएगा। मतलब आप तीनों ये टास्क सर्वाइव किए हो, आप तीनों तीनों सिसु जा रहे हो। देखो, आप तीनों की रोडी स्पिरिट ने यू नो मुझे फोर्स किया है कि बॉस ये सिसु जाके ही मानेंगे। सर हम कुछ कहना चाहते हैं। बोल रहे भाई। पीहू ने मेरे नेक पे अपने एल्बो से हिट किया है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा सर, ये लोग जो सो कॉल्ड बॉक्सर अपने आप को बोलते हैं, बॉक्सर को पहला चीज ये सिखा जाता है ना कि नेक और ग्रोन एरिया पे नहीं मारते। यार मेरे को भाई एक चीज पूछनी है बस, मेरे को समझ नहीं आ रहा, सबने रोडीज पहले देखा है ना यार? हाँ, देखा है। किसी ने किसी चीज में इतनी कंप्लेंट नहीं हुई जितनी अभी हो रही है यार। रोडीज में आया, कोई और शो में नहीं आया यार। लेकिन जो रूल्स में वही होना रूल्स चाहिए। में कोई खेलते हुए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। सर उसने इंटेंशनली हिट किया है आप, क्योंकि आपने हमें इंटेंशनली घुमाया है। पहले दिन से टांग टूटी तब नहीं बोल रहा, तुझे रोता रहा। ओके ओके ओके, एक सेकंड, मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो भी टास्क करते हो पॉजिटिवली करो, अच्छी तरह करो। यू आर ऑल डूइंग वेरी वेरी वेल, इसीलिए आप यहाँ पे आए हो। ठीक है? बिल्कुल सर। इतनी डिसिप्लिन जिंदगी में नहीं हुए, इतनी मेहनत की, मरते दम तक परफॉर्म किया और साला कोई घर नहीं आया। तो हम तीनों ही बच चुके थे और मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी, अगर सरवाइव करके वापस आ रहा हूँ ना तो अब सबकी वाला था।